हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हम लोगों ने किया था प्रोनाउन के टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके काइंड्स को डिस्कस किया था। आज भी हम लोग प्रोनाउन के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जो बचे हुए प्रोनाउंस के काइंड्स हैं उनको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आज डिस्कस किया जाएगा। बट बिफोर स्विचिंग ओवर टू ग्रामर पोर्शन, वी आर डूइंग ए ब्रीफ एक्सरसाइज ऑन वर्ड्स। वर्ड्स का एक एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड भी। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, डॉक्टर्स आर नोन फॉर दियर इन एलिजिबल हैंड राइटिंग। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में, और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड यह है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको, उस पर ध्यान देना है और ये देखना है कि वेदर दैट वर्ड हैज़ बीन राइटली यूज्ड और नॉट, सही प्रकार से उसका यूज़ किया गया है या नहीं, या उसके जगह पे किसी दूसरे वर्ड को प्लेस किया जा सकता है वहाँ पर उस सेंटेंस में। क्वेश्चन होगा कि कहाँ से नए वर्ड को प्लेस करेंगे, तो मेरे पास नीचे में तीन ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर डी है, नो रिप्लेसमेंट वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, देन आवर आंसर विल बी नो रिप्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू डू। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन में जो वर्ड दिया हुआ है वो है एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, ठीक है। इन एलिजिबल का मतलब होता है, इसका अपोजिट वर्ड है, इस एलिजिबल का अपोजिट वर्ड है इन एलिजिबल, मीन्स अयोग्य। सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने कि ग्रेजुएशन अभी नहीं किया है, वो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है, तो हम कहेंगे कि ही इज ineligible for taking bank PO exam. Bank PO का एग्जाम वो नहीं दे सकता, उसके लिए अयोग्य है। तो एक वर्ड हुआ है एलिजिबल और एक वर्ड हुआ ineligible। फिर एक वर्ड है illegible। illegible का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको पढ़ना मुश्किल होता है, अस्पष्ट, unclear। ज़्यादातर इसको हम लोग यूज़ करते हैं हैंड राइटिंग के लिए ही। अच्छा, आप बताओ कि डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको पढ़ना आसान है या मुश्किल है? डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल होता है, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते। हाँ, जब उसको मेडिसिन के शॉप पे ले जाते हैं तो जो इस बिजनेस में है, जो केमिस्ट हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि किस डॉक्टर ने किस तरह से लिखा होगा। तो दैट वे दे आर एलिजिबल टू डेसिफर देयर हैंड राइटिंग, और वो लोग उसी हिसाब से दवा देते हैं। बट कॉमन लोगों के लिए डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मीन्स डॉक्टर्स हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, अस्पष्ट, या विच इज़ डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है। फिर एक वर्ड है यहाँ पे इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है ये किसी भी व्यक्ति या उसके बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ डिफिकल्ट टू करेक्ट, जिसको सुधारना मुश्किल हो, उसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। जैसे स्मोकिंग की आदत अगर एक बार लग गई, ग्रेजुअली इट बिकम्स इनकॉरिजिबल विच कैनॉट बी करेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, नो रिप्लेसमेंट। अब चारों वर्ड का मीनिंग तुमको पता है, नाउ यू आर द बेस्ट जस्ट टू डिसाइड कौन सा वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ineligible वर्ड, हैंडराइटिंग अयोग्य नहीं होती, तो ये गलत है। इन प्लेस ऑफ ineligible यहाँ पे होना चाहिए illegible, ठीक है। कोई डाउट? उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि चारों वर्ड्स के मीनिंग तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर दिए गए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में तुम देखोगे कि जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है फिनिश, उसी के अलग अलग टेंस के फॉर्म्स नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं। यहाँ पर भी फिनिश है, यहाँ पर भी फिनिश है, और यहाँ पर भी फिनिश है। हाँ, उनके टेंस के अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं।
जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट में है, थर्ड वाला ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो डिसाइड करना है कि कौन सा, यहाँ पे मीनिंग विल नॉट डू, वर्ड का मीनिंग तुमको पता है, समाप्त करना, फिनिश का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो वर्ड का मीनिंग यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करेगा तुम्हारे टेंस का नॉलेज, तुम्हारे ग्रामर का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अनटिल शी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है किसी भी लेडी के बारे में कि वो घर से तब तक नहीं निकलती, घर तब तक नहीं छोड़ती, लीव है यहाँ पे तो छोड़ना, वो अपना घर तब तक नहीं छोड़ती जब तक अपने घर के सारे काम को निपटा ना ले। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिया गया है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम काज के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कोर्स, घरेलू कामकाज, ठीक है। तो घरेलू कामकाज के लिए वर्ड यूज किया जाता है कोर्स। तो यहां पे देखते हैं कि ये उसके हैबिट को दिखाता है, दिस शोज द हैबिट ऑफ दैट वुमैन, कि वो हमेशा ऐसा करती है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चला कि ये हैबिट है, तो यहां पे यूजुअली वर्ड यूज किया गया है, सामान्यता मतलब अक्सर ऐसा होता है कि वो ऐसा ही करती है, इट मीन्स ये उसकी हैबिट है। और हम जानते हैं कि हैबिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं रोज़ रात में एक ग्लास दूध पीता हूँ, दिस इज़ माय हैबिट, आई टेक ए ग्लास ऑफ हॉट मिल्क एट बेड टाइम, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो एक वर्ब कौन कौन सा दिया हुआ है, दिस इज वर्ब नंबर वन एंड दिस इज वर्ब नंबर टू, तो दोनों ही वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। यहाँ पे डज है, तो ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, करेक्ट, और दूसरा वाला जो पार्ट है ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस में दिया गया है, वी टू दिया गया है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर शी के हिसाब से क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर लिखेंगे तो इट शुड बी फिनिशेज, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें फिनिशेज है या नहीं है, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर फिनिशेज है, सो पार्ट आंसर मेरा क्या होगा, ए, और यहाँ पर फिनिश्ड की जगह पे अगर फिनिशेज लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो ये दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स थे इस तरह के क्वेश्चंस के जो कि तुम्हारे सामने डिस्कस किया गया। उसमें भी डेलिबरेटली मैंने ऐसे दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे बोर्ड पे कि जिसमें पहला वाला पूरी तरह से बेस्ड था तुम्हारे वर्ड मीनिंग पे, तुम्हारे वर्ड पावर पे, और दूसरा वाला ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगले सेशन में भी इस तरह का एक दो क्वेश्चंस और करेंगे ताकि इसके बारे में अच्छे तरीके से तुम लोग समझ सको, ठीक है। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, प्रोनाउन पर डिस्कशन होगा। कल प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके कुछ काइंड्स और बचे हुए हैं दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। बट बिफोर दैट आई वुड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि अगर हमारा वीडियो तुम लोगों को पसंद आता है तो तुम लोगों ने खुद तो सब्सक्राइब किया ही होगा, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर तुम लोग खुद सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान के लोगों के बीच में भी इसको शेयर करो और उनको बताओ कि ये क्लासेस चल रहे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिराइविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज क्लासेस तो उन लोगों को भी कहो कि इसको सब्सक्राइब करें। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू the discussion of pronoun. Kinds of pronoun.
कल हम लोगों ने फाइव काइंड्स को डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप सिक्स्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन विच इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. सिक्स्थ टाइप इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, इसका दो एग्जांपल्स लिखते हैं. पहले एग्जांपल्स लिखेंगे, देन एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होगा. देर आर टू एग्जांपल्स फॉर दिस. फर्स्ट इज वी शुड हेल्प अदर्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज फर्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड हेल्प अदर्स. सम आर बॉर्न ग्रेट. सम आर बॉर्न ग्रेट. लेट अस डिस्कस दीज टू एग्जाम्पल्स. यहां पर क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल है वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. ये एक बहुत ही जनरल टाइप की एडवाइस है और इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है अदर्स. अब वो दूसरों में दूसरे कौन लोग हैं ये डेफिनेट मैनर में बताया नहीं जाता है कि कौन दूसरे लोग हैं. तो अदर्स जो वर्ड यहाँ पे है ये थोड़ा इनडेफिनिट सेंस प्रोवाइड करता है इस सेंटेंस को. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ अदर्स, कि वो अदर्स कौन है ये डेफिनेट मैनर में नहीं बताया गया है. लाइकवाइज ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, बट एग्जैक्टली हु दे आर ये कभी भी पता नहीं चलता. तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जो इनडेफिनिट सेंस प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे. इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू दोज प्रोनाउंस दैट Give us indefinite meaning. जो indefinite meaning देते हैं, indefinite meaning to nouns. Nouns को indefinite meaning देने वाले जो pronouns होते हैं they are called indefinite pronouns. ये वाला यहाँ से यहाँ तक definition लिख दिया गया. ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स सम अदर्स फ्यू समवन नो वन एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस. वैसे प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ में इनडेफिनिट सेंस देते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. अब कल जो डिस्कस किया गया था कि प्रोनाउन से एडजेक्टिव कैसे बन जाता है, तुम्हारे मन में होगा कि सर ये बताइए कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को क्या इनडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है. देन माई आंसर विल बी यस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज आर वेरी सिंसियर. सम बॉयज आर वेरी सिंसियर. यहाँ पे बॉयज क्या है, बॉयज नाउन है और इसके पहले सम लगा है तो ये क्या होगा, दिस इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज किया गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव. सम बॉयज आर वेरी सिंसियर.
तो हम लोग कह सकते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज एज इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स. ठीक है. देन नेक्स्ट, सेवेंथ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव, इंटरोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना. तो ये सिंपल है, वैसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछे जाने के काम में आते हैं उन प्रोनाउंस को हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है. इनडेफिनिट इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. यूज टू आस्क क्वेश्चंस. इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हु मेड द नॉइज. हु मेड द नॉइज, दिस इज वन एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं. Which of my students, which of my students stood first? First example is who made the noise. यहाँ पे who एक word है जो कि question पूछने के काम में आता है, इसीलिए ये एक interrogative pronoun है. जबकि सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल वन था, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड वाले एग्जाम्पल में विच एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का है कि हम लोग ज़्यादातर कौन के लिए हु यूज़ करते हैं, बट अगर सिंगुलरिटी में इसको यूज़ करना है, जैसे देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसमें से कोई एक ही स्टूडेंट फर्स्ट आया होगा, तो दिस शोज सिंगुलरिटी. तो सिंगुलरिटी अगर तुमको यूज करना है तो सिंगुलरिटी के लिए हम लोग वर्ड प्रोनाउन यूज करते हैं विच. कभी कभी एरर में आ सकता है, एरर में क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे हु ऑफ माई स्टूडेंट्स स्टूड फर्स्ट, अगर ऐसा लिखा होगा तो हु गलत होगा, सही क्या होगा, विच ऑफ माई स्टूडेंट्स. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस्ड विद यू इन दिस एग्जाम्पल. विच ऑफ माई स्टूडेंट्स स्टूड फर्स्ट, यहाँ पे इसके मीनिंग, इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ देखते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. विच, हु, हुम, हुज, व्हाट एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के. अब फिर क्या क्वेश्चन होगा, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा सकता है. एडजेक्टिव, मेरा आंसर होगा यस. देन तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो उसका एग्जांपल्स मैं नीचे देता हूं. फर्स्ट एग्जांपल, विच शर्ट Will you wear on your which shirt will you wear on your birthday? This is example one. Second is whose pen is found. Whose pen is found? ठीक है, यहां पे देखते हैं. Example वन में जो शर्ट है ये क्या है, शर्ट इज ए नाउन. शर्ट चूंकि नाउन है इसीलिए उसके पहले आने वाला विच क्या होगा, विच एक एडजेक्टिव होगा. तो
विच प्रोनाउन के जैसा भी यूज किया जाता जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया. अगेन विच कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि यहाँ पे दिखता है. राइट, देन यहाँ पे पेन एक नाउन है और उसके पहले आने वाला जो वर्ड हुज है ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग एडजेक्टिव के जैसा भी यूज कर सकते हैं. तो ये था सेवेंथ काइंड ऑफ प्रोनाउन. एंड नाउ वी मूव ऑन टू एट्थ काइंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट्थ काइंड सबसे लास्ट में उसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड एरर्स बहुत बार आते हैं, और अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वैसे एरर्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. ये है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे दो एग्जांपल लिखता हूं. पहले ऊपर वाले में यहाँ पे जो लिखा दो सेंटेंस है, इसका फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ द मैन ही हेल्प्स मी इन क्राइसिस. सेकेंड लिख रहे हैं ही इज़ द मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस. ऊपर वाले में दो सेंटेंस थे, बट नीचे वाला अगर इसको तुम देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो इन दो सेंटेंस को मिलाकर एक ही सेंटेंस कर दिया गया. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ इस वर्ड के द्वारा, हु के द्वारा. हु यहाँ पे एक ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है जिसने ऊपर के दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. ही इज़ द मैन हु हेल्प्स मी इन क्राइसिस. ठीक है, देन एक और एग्जाम्पल. She is the girl, full stop, her nature is amiable. ये दो sentences यहाँ पे दिए गए हैं कि वह एक लड़की है और उसका जो nature है वो amiable है. यहाँ पे एक अच्छा word use किया है मैंने, amiable. Amiable means होता है friendly. ठीक है, लड़कियां ज़्यादातर रिजर्व नेचर की रहती हैं, बट कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत आउटकमिंग होती हैं और मिक्सिंग होती हैं, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि हर नेचर इज़ एमाइबल, मिलनसार या फ्रेंडली. देन अब इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं यहाँ पे. शी इज़ द गर्ल हुज whose nature is amiable. She is the girl whose nature is amiable. यहाँ पर इस पार्ट पे अगर हम देखें तो ऊपर के दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया वर्ड हुज से और तब ये सेंटेंस एक सेंटेंस बन गया. ठीक है, नाउ वी कैन डिफाइन कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने के काम में आता है. मींस रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, टू जॉइन टू सेंटेंसेस. ये इसका डेफिनेशन होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में हम लोग इसको यूज करते हैं. जो एग्जांपल्स दिए गए उसमें हु और हुज रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं. कुछ और एग्जांपल्स यहां पे लिखते हैं. हु
पूज विच दैट हुम एट्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आता है. गॉट इट? अब एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ टर्म विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और उसके बारे में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए. और उस टर्म को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट, एंटे का मतलब होता है पहले, तो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट या एंटीसीडेंट एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है. रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं. एंटीसीडेंट को यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं. एंटीसीडेंट इज ए, इट मे बी ए नाउन और इट मे बी ए प्रोनाउन, प्रोनाउन विच कम्स बिफोर विच कम्स बिफोर ए विच कम्स बिफोर ए रिलेटिव प्रोनाउन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट. एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन किया जाए. एंटीसीडेंट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन है जो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट. ठीक है, इसमें कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, बट डेफिनेशन वहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, और अब एग्जांपल में इसको कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन. कम टू दिस सेंटेंस. यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु. कहता है कि हु के पहले आने वाला जो वर्ड है, ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. इस केस में क्या है? इस केस में मैन एक नाउन के रूप में यहाँ पे है, नाउन के रूप में है, तो ये एंटीसीडेंट है. किसका एंटीसीडेंट है? इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं. यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले आने वाला जो वर्ड है गर्ल, ये क्या है? दिस इज अगेन ए नाउन. ये नाउन है और ये हुज का एंटीसीडेंट है. गर्ल एक नाउन है विच इज एन एंटीसीडेंट फॉर दिस रिलेटिव प्रोनाउन हुज. एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो डेफिनेशन में लिखा कि एन एंटीसीडेंट मे बी ए नाउन और इट मे बी ए प्रोनाउन. प्रोनाउन भी हो सकता है, बट प्रोनाउन का तो एग्जाम्पल आपने दिया नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसका प्रोनाउन का भी एक एग्जाम्पल देते हैं. माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु आर डेडिकेटेड टू दियर जॉब्स. ये एक एग्जाम्पल है. माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु आर डेडिकेटेड टू दियर जॉब्स. करेक्ट. यहाँ पर अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु. ठीक है, और हु के पहले आने वाला वर्ड कौन सा है? दोज. दोज क्या है? दोज इज ए प्रोनाउन. और इस केस में प्रोनाउन ये क्या है? ये एक एंटीसीडेंट है.
दिस इज एन एंटीसीडेंट इन दिस एग्जाम्पल. दोज जो प्रोनाउन है वो इस एग्जाम्पल में रिलेटिव प्रोनाउन हु के लिए एंटीसीडेंट के रूप में मौजूद है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसीडेंट. ठीक है, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई सर इज एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट पे इतना जोर देने की क्या बात है, एंटीसीडेंट का रोल क्या होता है. दिस वी शुड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए एंटीसीडेंट पे थोड़ा लंबा डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो एंटीसीडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. वो रोल क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट होता है वो डिसाइड करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन एंटीसीडेंट इन ए सेंटेंस. एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसको. एंटीसीडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीसीडेंट ये डिसाइड करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले जो वर्ब्स हैं, जो वर्ब है या जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहीं पे. पहले इस एग्जाम्पल में देखेंगे फिर उस एग्जाम्पल में भी जाएंगे. यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंटीसीडेंट जो दोज है ये सिंगुलर है या प्लूरल है. दोज इज प्लूरल इन नंबर. ठीक है, और अगर ये प्लूरल है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये हम लोग देखते हैं. तो ये चूंकि प्लूरल है इसीलिए इसका आने वाला ये जो वर्ब है आर ये भी प्लूरल है. कंफर्म हो गया यहाँ पे कि अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा. ठीक है, एक बात मैंने और क्या कही कि वर्ब और साथ ही साथ अगर कहीं पे प्रोनाउन दिखता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो वो भी इसी पे डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे एंटीसीडेंट चूंकि प्लूरल है और यहाँ पे प्रोनाउन जैसा दिख रहा है यहाँ पे डियर, हालांकि यहाँ पे जो डियर है ये क्या हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, बट दिस इज अगेन प्लूरल, ये वाला भी प्लूरल होगा. यहाँ पे एरर कैसे दिया जा सकता था, यहाँ पे एरर दिया जा सकता था हिज लगा के. अगर हिज यहाँ पे रहता तो गलत हो जाता, डियर इज करेक्ट. ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. एन एंटीसीडेंट इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट it determines the nature of verb and pronoun oblique adjective. भी लिख देता हूं यहां पर pronoun oblique adjective. An antecedent is important in the sense that it determines the nature of verb and pronoun oblique adjective in the following part of the sentence. Following part of the sentence का मतलब antecedent के बाद आने वाले सेंटेंस के पार्ट में वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और अगर प्रोनाउन या एडजेक्टिव है तो वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, ये डिसाइड करता है एंटीसीडेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड एरर्स भी हम लोग करेंगे. देखो, वर्ब एंड प्रोनाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव इनको डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे. इफ द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर इन नेचर तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा,
और अगर ये प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, या अगर सेंटेंस में प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स दिखते हैं तो वो भी प्लूरल होंगे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एंटीसीडेंट इन ए सेंटेंस. ठीक है, अब इसके पहले वाले स्क्रीन पे आके देखते हैं. इसके पहले वाले स्क्रीन में एंटीसीडेंट कौन सा था? एंटीसीडेंट मैन था. सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर है. मैन क्या है? मैन सिंगुलर है. तो इसके साथ ये जो वर्ब है, ये वर्ब है ना, ये भी क्या है? ये भी सिंगुलर है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट क्या है? गर्ल. और इसी के हिसाब से पता चलता है कि इसी गर्ल के नेचर के बारे में बात की जा रही है. तो नेचर भी यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया गया और इसीलिए उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये भी अपने आप में सिंगुलर है. अगर यहाँ पे आर लिखा हुआ रहता तो ये गलत होता. Is it clear? So this is the whole concept of relative pronoun and antecedent. ठीक है? Now we are going to discuss the concepts related to pronouns on the basis of which errors are formed. जिसके basis पर errors form किया जाता है और exam में तुमसे पूछा जाता है. अगर वो concepts clear हैं then it will be very easy for you to locate the error in a given sentence. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट वन. कॉन्सेप्ट वन, कल जब हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस डिस्कस किया था उसमें जो पहला काइंड था दैट वाज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मींस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है. तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वन है. अगर हिंदी में हम लोग बात कर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलतियाँ होती हैं. अगर हिंदी में हम लोग बात करते हैं तीन लोग हैं, जैसे मैं, तुम और वह, तो हिंदी में कुछ भी बोला जा सकता है. हम लोग बोल सकते हैं कि मैं, तुम और वह आज बाजार जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले था मैं, फिर तुम सेकंड पर्सन का, और थर्ड क्या था, थर्ड था थर्ड पर्सन का वह. इसको ठीक से समझना, मैं, तुम और वह, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन. अगर हिंदी में बात करनी हो तो हम लोग इस सीक्वेंस में भी कर सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको उलट पुलट कर भी बोला जा सकता है, तुम, वह और मैं बाजार जाएंगे, या वह, तुम और मैं बाजार जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं होगी. बट इन केस ऑफ इंग्लिश देयर इज़ अ डेफिनेट ऑर्डर कि अगर इस तरह का केस है जहाँ पे तीनों पर्सन, ऑल थ्री पर्सन आर इन्वॉल्व इन ए सेंटेंस, तब उनका सीक्वेंस क्या होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो. तो इंग्लिश में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इस रूल को, टू थ्री वन. दिस रूल इज नोन एज टू थ्री वन. यानी कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन को यूज़ करना है तो सबसे पहले यू आएगा, फिर ही आएगा और फिर आई आएगा. तो सेंटेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल, यू, ही एंड आई आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. हम लोग तीनों लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए. यू, ही एंड आई
आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो यू क्या था, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था, ही क्या था, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, और वन क्या है, वन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये वाला रूल यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 2 3 1, ठीक है। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में इन्वॉल्व हैं तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को हम लोग यूज़ करते हैं। एरर कैसे दे सकता था, इसी सेंटेंस को ऐसे लिख के दिया जाता, अगर ही आई एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो ये वाला क्या होता, ये एरर होता, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होता, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, यहाँ पे 2 3 1 जो रूल था इसको फॉलो नहीं किया गया। समझ में आया, कोई डाउट? इसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, कि जब हम लोग किसी क्राइम को, किसी पाप को जब एडमिट करते हैं उस समय ये रूल लागू नहीं होता। दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल, व्हेन वी एडमिट ए क्राइम और ए सेन, तो वहाँ पे हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं आई यू एंड ही। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसको दिमाग में रखना होगा। बट ज़्यादातर केसेस में हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं 2 3 1। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ये बाद में भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे सिंटैक्स, वहाँ पर भी ये आएगा, बट यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ। आइडिया क्या होगा, यहाँ पर ये जो तीनों प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और जुड़े हुए किससे हैं, एंड से, सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर जुड़े हुए हैं ये एंड से, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल मानते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है, दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है, इसीलिए ये जो वर्ब है ये भी यहाँ पे प्लूरल है। दिस इज सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तुम, वह और मैं, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज नेचुरली प्लूरल, और चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, और इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा उस तरह का तो वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, ये वाला समझना। अगर मान लो इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, यू ही और आई एम ऑब्लिक आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, दिस इज अनदर सेंटेंस। तुम एक बार में देखोगे तो बोलोगे कि एक ही जैसा तो सेंटेंस आपने दोनों लिखा है सर, बट देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेज, और वो डिफरेंस तुमको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पे क्या था, यहां पे एंड था, और यहां पे क्या लिखा गया, यहां पे लिखा गया और, ठीक है। एंड एंड का मतलब क्या होता है कि तुम, वह और मैं, यानी कि एंड अगर लिखा हुआ है इसका मतलब कि 3 persons आर देयर, तीनों जाएंगे, तुम भी जाओगे, वह भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा, ऑल थ्री विल गो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है और उसी के हिसाब से वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा। बट नाउ वी कम टू दिस, यहाँ पे क्या है,
यू ही और आई, यहाँ पर या तो तुम जाओ या वह जाएगा या मैं जाऊँगा, लेकिन जाएगा एक ही आदमी, और की वजह से क्या हुआ यहाँ पे ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पे जाएगा, ऑल थ्री आर नॉट गोइंग, ठीक है। अब जब यहाँ पे और की वजह से ये सब्जेक्ट क्या हुआ, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर बन गया, दिस सब्जेक्ट बिकेम सिंगुलर, और चूंकि ये सिंगुलर बन गया तो नेचुरली इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा या प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी सिंगुलर होंगे, ठीक है। एरर पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे, और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स के रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर फिर इस पर डिस्कशन होगा, लेकिन अभी यहाँ पर भी ज़रूरी मैंने समझा, इसीलिए एंड और के बीच में डिफरेंस बताया। अब नाउ वी कम टू दिस, यहाँ पे एम और आर दोनों ऑप्शन मान लो तुम्हारे सामने है, और कहा जाता है कि आप बताइए कि आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस कौन सा सही होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आर एक प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसीलिए आर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मान लो लिख दिया जाता कि इज भी लिखा हुआ रहेगा, सपोज सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब इज ऑल्सो देयर, तो वॉट शुड बी योर आंसर, तुमको डाउट होगा कि पता नहीं एम होगा या इज होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी प्रोनाउन इसके नज़दीक है हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब को डिसाइड करेंगे, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे आई है तो आई के साथ अगर इज हम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इज विल नॉट बी अप्रोप्रिएट हियर, यहाँ पे इज अगर यूज़ करेंगे तो गलत होगा, आई के साथ एम को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो ऐसा सेंटेंस दिया हुआ रहे, यू और ही इज एम आर, यू और ही इज एम आर is going to join tomorrow. This is another example. You have to decide ki is, am or are में से क्या होगा। तो यहाँ पे he क्या है, यहाँ पे he verb के नज़दीक कौन सा है, he है ना, तो he के हिसाब से हम लोग is use करेंगे, अगर यहाँ पे am use कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या अगर आर यूज करोगे तब भी गलत हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रोनाउंस, कि पर्सनल प्रोनाउंस अगर किसी सेंटेंस में होते हैं तो हम लोग उसको किस हिसाब से ट्रीट करते हैं। रूल था कि अगर तीनों पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ हैं तो द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस 2 3 1, और अगर एंड रहेगा, एंड होगा तो क्या होगा, एंड होगा तो इसके बाद आने वाले वर्ब और प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स प्लूरल होंगे, और अगर और रहेगा तो फिर हम लोग किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, जो लास्ट में जो वर्ब के नज़दीक है प्रोनाउन उसके पर्सन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये था प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वन। प्रोनाउन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि अगले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल इसी पे डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू।